Yes, children, a very good morning to all of you. So, class 4 EBS, we were doing chapter number 1, going to school. बच्चों, हमने पार्ट नंबर 1 में going to school जिसका नाम है, उसमें 4 से 5 जो transportation ways हैं, जिस तरीके से जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके बारे में पढ़ा है. Previous videos में आप सुन सकते हैं. हमने bamboo bridge, trolley, cement bridge और vallam boat, बुलक कार्ट और कैमल कार्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं. आज हम पेज नंबर 6 जो आपकी बुक में है वहाँ से शुरू करेंगे. जैसे आपके पास यहाँ 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस टॉपिक्स में से हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, जैसे कि बुलक कार्ट और कैमल कार्ट में से हैं. डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव? तो वो ये पूछ रहे हैं कि जहाँ पर आप रहते हो क्या वहाँ पर बुलक कार्ट्स हैं. तो इसका आंसर मैंने लिखा है नो, क्योंकि हम यहाँ पे सिटी में रहते हैं और यहाँ पे कोई भी बुलक कार्ट का प्रयोग नहीं करता है, यूज़ नहीं करता है. यहाँ पे सभी ऑटो रिक्शा, रिक्शा, बस, ट्रेन, कार, बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं. बुलक कार्ट्स जो हैं, हमने पढ़ा है चैप्टर में कि वो विलेजेस में यूज़ होते हैं. तो बुलक कार्ट्स के लिए हम यहाँ पर नो लिखेंगे. अगर कोई बच्चा गांव में रह रहा है, विलेज में रह रहा है और उसके आसपास कहीं पे बुलक कार्ट्स का यूज़ किया जाता है, तो वो यहाँ पे यस लिख सकता है. नेक्स्ट है, डज़ इट हैव अ रूफ़? क्या इसकी छत है? बुलक कार्ट जो होता है उसकी छत होती है, तो इसका आंसर है नो. व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? व्हील्स क्या होते हैं? जो टायर होते हैं, किसी भी चीज़ के चक्के होते हैं, उन्हें हम पहिए को, व्हील को हिंदी में पहिया बोलते हैं. तो जो बुलक कार्ट है उसके व्हील्स जो हैं वो किस तरह के हैं? तो इसका आंसर है लार्ज वुडन व्हील्स विद आयरन रिम्स. तो बड़े बड़े जो लकड़ी के पहिए हैं और उनके अंदर लोहे के जो रिम्स हैं, ठीक है, जिसे साइकिल के चक्के में ऐसे वायर्स लगी होती हैं, उसे रिम बोलते हैं. उसी तरह से जो बुलक कार्ट है उसके लकड़ी के पहिए हैं और उसके अंदर लोहे के रिम हैं. उसके बाद आपको यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें कुछ लड़कियाँ जो हैं वो बाईसाइकिल्स पे स्कूल जा रही हैं यूनिफॉर्म पहन के. तो इसका नाम है बाईसाइकिल राइड. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाईसाइकिल्स की हेल्प से ग्रुप बना के स्कूल जाते हैं. वी राइड आर बाईसाइकिल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल. लंबे रास्ते पर हम बाईसाइकिल्स के ऊपर सवारी करके स्कूल जाते हैं. एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज टू फार. शुरुआत में क्या होता था कि जो लड़कियां हैं उनको स्कूल जाने की, पढ़ाई करने की इजाज़त नहीं होती थी, वो नहीं जाती थी, क्योंकि स्कूल जो है, विद्यालय जो है, वो बहुत ज़्यादा दूरी पे बने होते थे. बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7 to 8 गर्ल्स ईजिली राइड इवन थ्रू डिफ़िकल्ट रोड्स. लेकिन अब वो क्या करती हैं, 7-8 लड़कियाँ आपस में ग्रुप्स बना लेती हैं और साइकिल चलाते हुए वे अब वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके इकट्ठे एक साथ स्कूल जाती हैं. और अगर कोई रास्ता, मान लीजिए, डरावना भी लगता है उनको, या खाली लगता है, सुनसान लगता है, जिनमें उनको डर लगता है, या कोई मुश्किल रास्ता भी आ जाता है, तो वो अकेली नहीं होती, 7-8 लड़कियों का ग्रुप होता है, तो वो आसानी से बाईसाइकिल्स के ऊपर सवारी करते हुए स्कूल चली जाती हैं और इसी तरीके से वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती हैं. नेक्स्ट है, कैन यू राइड अ बाईसाइकिल? इफ़ येस, हु टॉट यू टू राइड? क्या आप बाईसाइकिल चला सकते हैं? अगर हाँ, तो आपको ये चलाना, इसकी सवारी करनी किसने सिखाया? तो इसका आंसर मैंने लिखा है येस, माई फादर टॉट मी टू राइड. हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे राइडिंग करनी बाईसाइकिल की सिखाई है. मुझे मेरे पापा ने साइकिल सिखाई थी, तो मैंने यहाँ पे माई फादर लिखा है. अगर आपने किसी और से सीखी है तो आप माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई ग्रैंड फादर, माई अंकल, इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं. हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकिल्स टू योर स्कूल? तो वो पूछ रहे हैं कि आपके स्कूल में लगभग कितने बच्चे जो हैं वो बाईसाइकिल्स के ऊपर, साइकिलों के ऊपर स्कूल आते हैं. तो इसका आंसर मैंने लिखा है अबाउट 20, कम से कम 20. तो स्कूल में तो बहुत ज़्यादा बच्चे बाईसाइकिल्स पे आते हैं. हो सकता है 40 हों, 30 हों, 50 हों, 100 भी हो सकते हैं. तो आप उतने बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन लिख सकते हैं. नेक्स्ट, मूव ऑन टू पेज नंबर 7. आपकी बुक में जो पेज नंबर 7 दिया गया है, इस पे पर्पल कलर की एक फ़ोटोग्राफ में आपको एक पिक्चर ये नज़र आ रही है. इसमें
जो व्हीकल है ये आगे से बाइक के जैसा है और पीछे से कुछ ट्रॉली जैसा इसमें जोड़ा गया है। इसका नाम है जुगाड़। क्या नाम है इसका? जुगाड़। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स फट 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 व्हेन इट रन्स। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक स्पेशल तरीके का जो व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट है, ये जब चलता है तो फट 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 की आवाज़ आती है। इज़ इट्स नॉट समथिंग स्पेशल? क्या ये आपको कुछ खास नहीं लग रहा देखने में कि आगे से तो ये बाइक बनी हुई है और पीछे से ये कुछ और ही है? द फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरिज एट द बैग। ये आगे से मोटरसाइकिल जैसा है लेकिन पीछे से जैसे किसी चीज़ को ढोने के लिए कैरिज बना होता है, सेम पीछे से ही वैसा है। एंड इट इज़ मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड, और ये लकड़ी की लंबी लंबी प्लैंक्स के सहारे बना हुआ है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? तो क्या आपके एरिया में ऐसे व्हीकल्स दिखाई देते हैं? तो हाँ, मैंने ये बहुत बार देखे हैं। तो इसका आंसर मैंने लिखा है येस। अगर आपने नहीं देखा है, आपके एरिया में नहीं है, तो आप यहाँ पे नो भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? आप अपने इलाके में इसे क्या कहते हो? तो हम इसे बाइक वैन बोलते हैं, कि आगे से ये बाइक है और पीछे से ये वैन है। तो याद भी रखना है, गुजरात में इसको क्या बोलते हैं? जुगाड़ बोलते हैं। और हमारे एरिया में हम इसे बाइक वैन बोलते हैं। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? वाई? क्या आपको ऐसी किसी चीज़ में जाने से मज़ा आएगा, इस पे सवारी करने में मज़ा आएगा? और अगर आएगा तो क्यों? इसका आंसर है येस, इट इज़ अ ग्रेट फन। मज़ा आएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फन है, मतलब बहुत ही मज़ेदार है। इसमें चढ़ के जब हम जाएंगे, ये पीछे से खुली है तो हम आसपास देखते हुए जा सकते हैं, आगे से बाइक है तो ये बहुत तेज़ भी चलेगी। कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़? क्या आप कह सकते हैं, बता सकते हैं कि इसे जुगाड़ क्यों कहा गया है? इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अदर पर्पज़, क्योंकि ये स्कूल जाने के लिए नहीं बनी है, ये सामान ढोने के लिए, किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए बेटा बनी है, क्योंकि ये किसी और चीज़ के लिए बनी है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अदर पर्पज़, और हम इसे यूज़ किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे जुगाड़ बोल रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अखबार है, न्यूज़पेपर है, हम न्यूज़पेपर का क्या करते हैं, उसमें हम अलग अलग तरह की खबरें यानी कि न्यूज़ जो है वो पढ़ते हैं, जोक्स पढ़ते हैं, स्टोरीज़ पढ़ते हैं, हमारे देश विदेश में क्या हो रहा है हम वो सुनते हैं। लेकिन जब वो न्यूज़पेपर पुराना हो जाता है तो कई बार हमें गर्मी लगती है और हमारे घर में लाइट चली जाती है और इन्वर्टर भी नहीं चल रहा, तो उस टाइम पर हम उस न्यूज़पेपर को यूज़ करके एक पंखा बना लेते हैं, ठीक है, उससे हवा लेते हैं। तो वो क्या है? जुगाड़ है, कि वो किसी और चीज़ के लिए बना है लेकिन हमने उसे अपनी किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लिया है, तो दैट्स वाई उसे बोलते हैं जुगाड़। तो इसीलिए इस मोटर गाड़ी को भी हम जुगाड़ बोल रहे हैं। तो आज हमने पेज नंबर 6 के ऊपर जो हमें टॉपिक दिया गया है बाइसाइकिल राइड, वो पढ़ा, और पेज नंबर 7 पे जुगाड़ दे रखा है जो गुजरात में होता है उसके बारे में पढ़ा, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हमने किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लेने के बाद पेंसिल से इसको अपनी बुक में फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई नोटबुक में करना चाहता है तो वो वहाँ पे भी कर सकता है, अदरवाइज बुक में स्पेस इनफ बनी हुई है, वहाँ पे आप इसे पेंसिल से फिल कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। सो प्रीवियस वीडियोस के साथ इसको भी रिवाइज कर लें। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू क्लास, एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।